कांग्रेस हर समय संविधान और नियमों का को तार तार करती है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए झूठे वादे करना, चुनाव में हम जीत जाए इसलिए कुछ तो भी बातें करना। ये पिछले चुनाव में भी देखा, 2 लाख रुपए का कर्जा हम माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया कांग्रेस ने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की बात की, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया कांग्रेस ने। अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण की योजना लाडली बहना योजना की शुरुआत की, जिसमें हर महिला को 1,000 रुपये महीना शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की सरकार ने देना शुरू कर दिया, तो कांग्रेस उसमें टंगड़ी अड़ा रही है। और कांग्रेस के ये छुटभैये नेता भोली भाली बहनों के आधार कार्ड और बैंक का डिटेल ले रहे हैं, जिससे उनके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकाल लें। आधार का नंबर लेना इस देश के संविधान में परमिसेबल नहीं है, ये गैर कानूनी है। कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर नहीं ले सकती, क्योंकि उसके दुरुपयोग होने का पूरा अंदेशा है। और आधार की योजना शुरू होने से ही ये नियम बना है कि कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड को, आधार कार्ड के नंबर को शेयर ना करे। हमने बहुत सारे साइबर क्राइम देखे, बैंक के अकाउंट के नंबर से साइबर अपराध हो जाता है, आधार कार्ड के नंबर का दुरुपयोग हो जाता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो कांग्रेस यही करना चाह रही है। अरे आप चुनाव जीतो तो चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ बोलना, ये गैर कानूनी और निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कांग्रेस के छुटभैये नेता भोली भाली जनता के आधार कार्ड का नंबर लेकर उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि कांग्रेस के छलावे में ना आए, और कोई भी बहन और कोई भी भाई अपना पर्सनल कोई भी डेटा, अपना पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन, पर्सनल जानकारी कांग्रेस के नेताओं के साथ शेयर ना करें, ना आधार कार्ड शेयर करें और ना इस तरह के किसी भी फॉर्म पर साइन करें। ये आपके सिग्नेचर का, आपके हस्ताक्षर का, आपके आपकी जानकारी का गलत और नाजायज दुरुपयोग करेंगे।